देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज में। और अब खबर विस्तार में। इटावा जनपद के भाजपाइयों एवं समाज के लोगों के द्वारा शहर के बीचों बीच रोड पर दीप जलाकर एवं पटाखे जलाते हुए व हाथों में तिरंगा लहराकर भारत माता के जयकारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देते हुए नजर आए। जिस प्रकार भारत के वीर सपूतों की आतंकवादियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पुलवामा में हत्या कर दी गई थी, उसका बदला भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ लिया है। इटावा जनपद के भाजपाइयों एवं समाज के लोगों के द्वारा शहर के बीचों बीच रोड पर दीप जलाकर एवं पटाखे चलाते हुए वो हाथों में तिरंगा लहराकर भारत माता के जयकारे लगाए गए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देते हुए नजर आए। जिस प्रकार भारत के वीर सपूतों की आतंकवादियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पुलवामा में हत्या कर दी गई थी, उसका बदला भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ ले लिया। बदले की खुशी में इटावा के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई भी दी गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि भारत की सेना ने जिस प्रकार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, अभी पुलवामा में हुए भारत के जवानों की शहादत का बदला और भी लेना बाकी है। जवान शहीदों के परिवारों के लोगों का एक एक आंसुओं का बदला लेना अभी बाकी है। वहीं भाजपा नेता विक्रम अग्रवाल ने बताया कि जिस प्रकार लंका में रावण का वध कर श्री राम वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, उसी प्रकार आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भारत के सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, उस खुशी में हम इटावा के लोग दीप जलाकर पटाखे चलाकर हर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर अनिल तिवारी, गजेंद्र मिश्रा, अनुज गुप्ता, विजेंद्र शर्मा, जितेंद्र भदौरिया, आशीष चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखने को आया है और जितनी भी हमारी वीर वधुएं, जो हमारा पुलवामा का हमला हुआ उसमें जो शहीद सैनिक हुए हैं, उनका बदला आज हमारी भारतीय फौज ने लिया है। बहुत बहुत भारतीय फौज को मैं बधाई देता हूं और सारा जन समाज आज इसी की खुशी में दिवाली मना रहा है। एक एक आंसू का बदला लिया जाना अभी और बाकी है। आज भारतीय सेना ने दुर्दांत आतंकवादी देश पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल किया और वहाँ का एक एक नागरिक जिस प्रकार से कांप गया, उसकी खुशी मनाते हुए हम लोगों ने आज मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े और बल्कि दिवाली मनाई, क्योंकि भगवान राम ने जिस प्रकार से या हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका में जा कर के उनको नष्ट करने का काम किया था, वही आज हमारी भारतीय सेना ने वहाँ पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों को जो मारा, तो हम लोगों के लिए आज दिवाली से कम का दिन गर्व नहीं रहा, तो हम लोगों ने आज दिवाली। इटावा से संवाददाता अनिल गोस्वामी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। थाना नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक मुकेश कुमार मिश्रा से लोन के नाम पर एक गिरोह ने 78 रुपया का चेक लेकर 1,78,500 रुपया खाता से निकाल लिया। धोखाधड़ी को लेकर पीड़ित ने 25 फरवरी को नूरपुर थाना क्षेत्र में इस घटना की तहरीर दी थी। पुलिस ने इस घटना की जांच करते हुए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर की थाना नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक मुकेश कुमार मिश्रा से लोन के नाम पर एक गिरोह ने 78 रुपए का चेक लेकर 1,78,500 रुपए खाते से निकाल लिए। इस धोखाधड़ी को लेकर पीड़ित ने 25 फरवरी को नूरपुर थाना क्षेत्र में घटना की तहरीर दी थी। पुलिस ने इस घटना की जांच करते हुए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह का खुलासा करते हुए एसपी बिजनौर संजीव त्यागी ने बताया कि इस गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने रुद्रपुर के उधम सिंह नगर के पंजाब सिंध से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन गिरोह के सुजल, अजीत सिंह, मालिक कुमार और सौरभ को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 27 भरे और खाली चेकबुक और एक बैंक पासबुक, 28 पैम्पलेट, आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। गिरोह काफी समय से लोन के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इस गिरोह के कुछ साथी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूरपुर पुलिस ने 4 लोगों के 4 सदस्यों के एक गैंग का आज खुलासा किया है। इसमें अजीत सिंह इनका सरगना है। ये लोगों को लोन देने के बहाने उनके साथ ठगी करते हैं, उनके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 10 रुपये का चेक उनसे भरवा लेते हैं। जिस पेन से ये चेक भरवाते हैं वो पेन इस तरह का है कि थोड़ी देर बाद वो पेन से लिखा हुआ मिट जाता है, उसको मैजिकल जेल पेन कहते हैं। इस पेन से
भरवा के ये 10 रुपये भरवाते हैं, लेकिन जब वो मिट जाता है थोड़ी देर बाद, उसको फिर ये 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी अमाउंट भर के अपनी मनमर्जी से और फिर उस खाते से निकाल लेते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड ये लोगों के साथ करते हैं। इनके पास से 27 चेक, इसके अलावा पासबुक, पैम्पलेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। चारों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र में रेल रोको संघर्ष समिति द्वारा 23 फरवरी को जोधपुर इंदौर ट्रेन के स्टॉपेज के लिए पीआरएस के संबंध में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, लेकिन एक अवधि में निर्णय न लेने पर संघर्ष समिति द्वारा रेल रोकने का निर्णय लिया गया। मंदसौर जिले के गरौड़ क्षेत्र में रेल रोको संघर्ष समिति द्वारा 23 फरवरी को जोधपुर इंदौर ट्रेन के स्टॉपेज के लिए पीआरएस के संबंध में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, लेकिन एक अवधि में निर्णय न लेने पर संघर्ष समिति द्वारा रेल रोकने का निर्णय लिया गया, जिसको आज 26 फरवरी को रेल प्रशासन एवं डीआरए महोदय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की और जनता की मांग को जायज ठहराते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा। आगे फॉरवर्ड करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं होने के कारण 26 फरवरी को गरोठ के समस्त करीब सैकड़ों लोग गरोठ स्टेशन पर पहुंचे और पटरियों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बाद में लोकल ट्रेन मथुरा से चलकर रतलाम को जाने वाली को रुकवाकर आगे खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। पुलिस के साथ हुई मामूली झड़प, पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने सख्त तेवर दिखाते हुए लोगों को पटरी से हटाया। रेल रोको समिति के सभी सदस्यों ने सांसद सुधीर गुप्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए आक्रोश दिखाया। ट्रेन का स्टॉपेज हो और पीआरएस की मांग है, इसके लिए हम कल डीआरएम साहब से भी मिले हैं। डीआरएम साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपका प्रपोजल हम आगे बोर्ड को पहुंचाएंगे, लेकिन बोर्ड के बाद फिर आपके जो सांसद है, आपके जो प्रतिनिधि है, उनके ही हाथ में है कि वो इस चीज को मनवाए, और हम आप और हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग बिल्कुल जल्द से जल्द पूरा करें। सांसद द्वारा हमको कोई आश्वासन नहीं, हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, हमारी कोई मांग, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि गरोड़ संघर्ष समिति जो इस काम में लगी हुई है, उन्होंने हमारा सहयोग किया, उन्होंने गाड़ी के सामने आकर के या किसी प्रकार का ऐसा हित नहीं किया जिससे रेलवे को हानि हो। उन्होंने सबने एक अच्छे नागरिक के रूप में प्लेटफॉर्म टिकट लिए, ये बहुत सराहनीय कार्य है। इनके प्रयास अपनी जगह अच्छा सही हैं, इनके ज्ञापन इन्होंने पहले भी दिए थे। कल माननीय मंडल रेल प्रबंधक कोटा को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्री यूसी जोशी ने उनकी बातों को सुना, बहुत सराहना की और ये पूरी तरह से उनको आश्वस्त किया कि उनकी बातों को रेलवे बोर्ड में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि रेलवे यात्री गाड़ियों में हैं उनके ठहराव रेलवे बोर्ड द्वारा सैंक्शन किए जाते हैं। इस संबंध में आज यहाँ पर लगभग 150 से 200 इनके जो नागरिक बंधु आए, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है और इस संबंध में इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, यही मुझे कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में भारत द्वारा मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पुलवामा हमले को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक कार्यवाही करते हुए भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी जैश के ठिकानों पर 1000 किलो के बम गिराए। जैश के कई आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड तबाह हो गए। 12 में रात 2000 फाइटर जेट ने आतंकी कैंप तबाह किया है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी सर्जिकल एयर स्ट्राइक को लेकर मेहंदीपुर बालाजी में रहा खुशी का माहौल। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में भारत द्वारा मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पुलवामा हमले को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक की कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी जैश के ठिकानों पर 1000 किलो के बम गिराए। जैश के कई आतंकी ठिकानों और लॉन्च बैंड तबाह हो गए। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने आतंकी कैंप तबाह किए। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ की सर्जिकल स्ट्राइक करने को लेकर बालाजी ग्राम वासियों में खुशी का माहौल रहा। बैंड बाजे के साथ रैली निकालकर खुशी मनाई गई तथा भारत माता की जयकारों व तिरंगे झंडे के साथ क्षेत्र के समस्त मार्गों से रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। साथ ही खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने यह भी कहा कि यार आज तो उत्सव जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी उड़कर लंका में आग लगाकर वापस सुरक्षित आए हों।
भारत सरकार की सेना व मोदी जी ने यह कदम उठाकर भारतीय लोगों के दिलों में जल रही आग को ठंडा किया। इसके लिए सर्व समाज व्यापार संघ मोदी जी की कार्रवाई पर आभार जताते हुए खुशी मनाए। वहीं दूसरी ओर बाबा के आने वाले भक्तों ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर आतिशबाजी की। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। मऊ जनपद के थाना मधुबन के ग्राम तालपताक्ष में संचालित सरकारी प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत सहायक अध्यापक कक्षा 5 में पढ़ने वाले 10 वर्षीय दलित छात्र को केवल इसलिए बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया क्योंकि वह अपने स्कूल बैग पर भीमराव अम्बेडकर लिख रखा था। यह मामला मंगलवार का है। आज यूपी क्राइम दफ्तर में आकर पीड़ित की मां ने सारी व्यथा बताई। मऊ जनपद के थाना मधुबन के ग्राम तालपताक्ष में संचालित सरकारी प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत सहायक अध्यापक कक्षा 5 में पढ़ने वाले 10 वर्षीय दलित छात्र को केवल इसलिए बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया क्योंकि वह अपना स्कूल बैग पर भीमराव अम्बेडकर लिख रखा था। यह मामला मंगलवार का है। आज यूपी क्राइम न्यूज दफ्तर में आकर पीड़ित की मां ने सारी था बताई। पीड़ित बच्चे को लेकर दर दर भटक रही सुनीता देवी आज सुबह मधुबन थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। इस संबंध में पीड़ित बच्चे की मां सुनीता का कहना है कि अध्यापक राम गोविंद यादव इसके पहले भी 26 जनवरी को भीमराव अम्बेडकर के संबंध में गाना नहीं गाने दिए और गाली देकर भगा दिया। इस संबंध में चोट खाए बच्चे ने बताया, मास्टर साहब गाली देते हैं और भीमराव अम्बेडकर का नाम लिखने पर हमें बहुत बुरी तरह से मारते हैं। कहाँ पढ़ते हो? किस स्कूल पढ़ते? साल 50 में क्या हुआ आपके साथ? हम अपन बैग पर जय भीम लिखे थे तो सर जी बुलाकर और हमें मारे हैं। कौन सर, क्या नाम है? राम गोविंद यादव। राम गोविंद यादव मारे हैं आपको? हाँ। कहाँ चोट लगी आपको? हाथ में। हाथ फट गया क्या आपका? पीड़ित की मां ने आज मधुबन थाने में सहायक अध्यापक राम गोविंद यादव के खिलाफ तहरीर दी है। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।